यह कुतर्क करते हुए कह रहे हैं कि हम करें क्या। तनिक भी हनक भनक होती यहाँ का नगर पालिका परिषद सतना का यानी चित्रकूट का सचेष्ट होता तो इस प्रकार प्लास्टिक की गिलासों का प्रयोग नहीं होता। जिधर आप देखेंगे कामतगिरी के पर्वत से लेकर महिमा है यह देख लीजिए, यहीं से आप देख लीजिए। और मैं यह मामला संदर्भित करना चाहूंगा माननीय उच्च न्यायालय। हम इस समय प्रदक्षिणा कर रहे हैं चित्रकूट धाम के कामतनाथ जो परिक्रमा है या पर्वत आप देख रहे हैं। यहाँ मैं रुक गया हूँ कि कुछ पानी वानी पी लिया जाए। आप देख रहे हैं या वही गिलासें हैं जो प्रतिबंधित प्रजाति की हैं जिस पर 5,000 रुपये प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश नहीं मानेगा, उत्तर प्रदेश नहीं मानेगा, बिहार नहीं मानेगा और अनेकानेक प्रदेशों में इसके जगह स्टील की गिलास हो सकती है, शीशे की गिलास हो सकती है, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। मैंने इनसे कहा है कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यह कह रहे हैं कि लोग आपने अभी कहा है कि क्यों नहीं बंद हो रही है, क्यों नहीं बंद रहे। यह मध्य प्रदेश में हम हैं और शिवराज सिंह चौहान जी यह हो रहा है चित्रकूट के पवित्र धाम में प्लास्टिक की गिलासें और सब मंदाकिनी मैया का नाश कर देंगी। यह कुतर्क करते हुए कह रहे हैं कि हम करें क्या, फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं, कैसे होगा। यहाँ के DM से भी कहना चाहूंगा, सतना के जिला अधिकारी से, यह सब क्या हो रहा है, कैसे चलेगा। इसको जलाएंगे तो हानिकारक गैसें निकलेंगी, यह जाएगा। आप एक बार देखिए इधर, यह पवित्र स्थली है और पवित्र स्थली पर आप देख लीजिए पाउच है या गिलासें हैं या यहाँ जलाया गया है, यहाँ किसी ने जलाया होगा जो बंदर बैठा हुआ है, कैसे चलेगा। नगर पालिका फूंकता है बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने कहा है कि नगर पालिका जलाएगा नहीं तो और क्या करेगा। अब इस व्यक्ति का जितना विवेक है उतना ही कहेगा, इससे अधिक यह व्यक्ति कह भी नहीं सकता क्योंकि यही इनको जानकारी दी गई है, यही जानते हैं। तो यह कह रहे हैं कुतर्क करते हुए कि नगर पालिका जलाएगी नहीं तो और क्या करेगी। कचरा चौहान का देखिए, अब यहाँ पे दिखाइए, बहुत बढ़िया दुर्गत की है, यहाँ पाइप फटा है, बाहर कोई तहसीलदार SDM तक देख चुके हैं लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। यहाँ पे देखो मेरे घर में पानी भर जाए तो बताइए कहीं वो करे। अब सबके लैट्रिन बनवा रहे, हवेलिया कर मेरी है, इसको भी तोड़ दिया। अच्छा, अब मैं रहूं तो कहां जाऊं। ये कैसा पाइप है, पानी वाला है कि ये वो सप्लाई के पानी है या टंकी में जाता है और यहीं से इतना धार वो बहता है, पूरा पानी बहता चला जा रहा। तो दोस्तों आइए दोस्तों देख लीजिए, यही गिलास है और इधर भी जलाएगा। बेशरम कहते हुए मुझे शर्म आ रही है यहाँ के नगर पालिका परिषद को और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, यहाँ के दुकानदारों को बांधा दो। अच्छा, पैसा लेते हैं लोग, बांधा वो पैसा सौदा लिया तो बांधा दो, एक रुपया दो रुपया कहते कि नहीं लेते, तो कहा मेरा बनाया हुआ सिक्का है और कोई प्रशासन सुनवाई नहीं करती। एक रुपया दो रुपये में, दो रुपया मिला तो एक रुपया हमें मिला, आधा बट्टा में चला गया। यह शिवराज सिंह का था, चौहान की एक तो यहाँ के DM महोदय और यहाँ के नगर पालिका के या प्लास्टिक की गिलासें बंद हो। और सुनो बाबू, वो लोग अगर नहीं बंद करते हैं तो आप बंद कर दो, नहीं कर सकते हो क्या। स्टील के और शीशा की गिलासें, शीशा की गिलासें तय कर लो या कोई बचाने नहीं आएगा। और जो गर्मी बढ़ रही है ना, यह गर्मी ऐसे ही बढ़ेगी और भी बढ़ेगी, तड़प तड़प करके लोग मर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार का गंदा कृत्य आप देख रहे हैं। अगर तनिक भी हनक भनक होती यहाँ का नगर पालिका परिषद सतना का यानी चित्रकूट का सचेष्ट होता तो इस प्रकार प्लास्टिक की गिलासों का प्रयोग नहीं होता। जिधर आप देखेंगे कामतगिरी के पर्वत से लेकर के और मंदाकिनी के भीतर तक, पहाड़ियों तक, रास्ते तक, और इसका एकमात्र तरीका इन लोगों ने ईजाद किया है कि इसको जलाओ जलाओ जलाओ, ओजोन परत का नाश कर दो और फिर लोगों के फेफड़े तक अपने शासन का जो उच्चतम मर्यादा जो जिसे दिखा रहे हैं उसे ठेल दो। ये कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का शिकार होकर के यही UP वाले बाबा का है और यही MP वाले मामा का है, बाबा और मामा। आप लोग कहेंगे आप कोलकाता में क्यों नहीं, वहाँ भी यही हाल है। अगर आप कहेंगे दिल्ली में भी यही हाल है क्योंकि केजरी के पाहुन की फैक्ट्रियां वहां है और इनके भी पाहुन की फैक्ट्रियां पॉलीथीन और प्लास्टिक की है, यह बंद नहीं करेंगे, इस पर कानून बना हुआ है।
जुर्माने का प्रावधान भी है, लेकिन चलता रहेगा, बढ़ते रहिए आगे, होता रहेगा टोका टाकी। पर्यटक स्थलों का नाश करने में लगी है हमारी सरकारें। अभी तक मैं मध्य प्रदेश में था, इस तरफ यह देख रहे हैं कामतगिरी परिक्रमा मार्ग जिस पर मैं हूँ, और अब आ गया हूँ उत्तर प्रदेश की सीमा पर, सीमा में। यह आप देख रहे हैं पॉलीथीन और यह जो कचरा आप देख रहे हैं, ऐसे ही पूरे कामतगिरी का नाश कर दिया है लोगों ने। प्रतिबंध के बाद अब आप कहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में कैसे हैं। यहाँ देखिए वन विभाग, चित्रकूट उत्तर प्रदेश, जाली के उस तरफ भी पूरा कचरा आपको कामतगिरी पर्वत पर दिख रहा है, जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी। और इधर आप देख लीजिए लेटे हनुमान जी यहाँ भी हैं। चूंकि मैं इसलिए दिखा देता हूँ कि किसी के मन में यह भ्रम न रहे कि यह दृश्य कहीं और का है। यह स्वर्गीय मौनी बाबा और बड़ावली उदासीन निर्माण। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, होता रहेगा टोका टाकी, होता रहेगा लिखा पढ़ी, और अंतिम दम तक जब तक इनका दिमाग ठीक ना हो जाए। पड़ाव में कुछ इस प्रकार के भी दृश्य हैं, नीचे तक जिधर आप जाएंगे 5 किलोमीटर में यही दृश्य है, और पूरे चित्रकूट धाम में जिधर भी आप जाएंगे ऐसा ही दृश्य है। पॉलीथीन और प्लास्टिक के कचरे, अन्य अपशिष्ट पदार्थ, ये हो रहा है गुटुरगु, और थोड़े ही समय में लड़ाई शुरू हो जाएगी, और जो भक्त लोग हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। यह दोनों देख रहे हैं, अभी तक तो इनका प्रेम मिलाप का है ऐसे, लेकिन थोड़े ही समय में तरता तरता सिंह, और एक को पीछे एक धक्का मारेगा, फिर दूसरा धक्का मारेगा, तीसरा गिर जाएगा और लोगों के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर जा सकती है जान। हम मध्य प्रदेश में हैं और यह है परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा मार्ग यानी सीमा प्रारंभ उत्तर प्रदेश चित्रकूट वन प्रभाग। यह देखिए इधर हम हैं मध्य प्रदेश में, इस तरफ का हिस्सा आप देख रहे हैं, और अब हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश में। अब दोनों प्रदेशों का दिखा रहे हैं, यहाँ से जूम करके एक बार हम दिखाएंगे तो देख लीजिए यह जो तालाब जैसा है, इसमें आपको दूर दूर से प्लास्टिक की गिलासे और पॉलीथीन और यह सब दिख रहा है। इधर भी आप देखेंगे तो यह है, और फिर यहाँ है गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कामतगिरी परिक्रमा पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। अभिनंदन कैसे करता है? पॉलीथीन और प्लास्टिक की गिलासों से अभिनंदन करेगा, कचरा से अभिनंदन करेगा, मलमूत्र से अभिनंदन करेगा। प्रणाम प्रणाम आपको। मैं इधर से भी एक बार दिखा देता हूँ संकट मोचन हनुमान जी क्या करेंगे। संकट मोचन जी की अपनी महिमा है, यह देख लीजिए, यहीं से आप देख लीजिए। और मैं यह मामला संदर्भित करना चाहूंगा माननीय उच्च न्यायालय को भी, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय को और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय को। करेगा कौन? किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। जिसे आप देख रहे हैं कोई ऐसा नहीं कि रातों रात हम डाल करके आ गए हैं और बनाने कि भैया यह है, ना लोग मानेंगे प्रयोग करने वाले, और न ही फैक्ट्री वाले लोग मानेंगे, क्योंकि फैक्ट्रियां इनके पाहुन की है, पाहुन माने प्रिय, पाहुन कमीशन देता है, पाहुन पैसा देता है, पाहुन शासन और सत्ता में भागीदारी है पाहुन की। इसलिए नियम कानून तो बन जाएंगे और संविधान की दुहाई दे दी जाएगी, लेकिन इस पर बैन नहीं लगेगा यथार्थ के धरातल पर। आगे बढ़ते हैं गुरु वशिष्ठ आश्रम। और दोस्तों देख रहे हैं यहाँ भी प्लास्टिक की गिलासें ही हैं, प्रतिबंधित है, लिखता पढ़ता हूँ कुछ करूँगा, टोका टाकी करूँगा, शायद जिम्मेदार लोगों को शर्म आए।